दोस्तों, यह हिंदुओं के चार धामों में से एक सबसे महत्वपूर्ण धाम और ओडिशा का सबसे महत्वपूर्ण कोस्टल सिटी पुरी। पुरी शहर पुरी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है, जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से दक्षिण में 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इस शहर को 12वीं शताब्दी में बने हुए जगन्नाथ मंदिर की वजह से विश्व भर में ख्याति प्राप्त है। पुरी को इतिहास में कई नामों से जाना गया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक 18 बार इन्वेजन हुआ है। आज के समय पुरी शहर बंगाल की खाड़ी से लगता महानदी डेल्टा पर मौजूद है। अगर केवल पुरी शहर की बात करें तो आज के समय ये शहर लगभग 16 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, जो समुद्र तल से बस 1 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। 2011 में बाकी भारत के साथ ही इस शहर में भी जनगणना हुई थी। उस समय इस शहर की आबादी लगभग 2 लाख के आसपास हुआ करती थी। इस शहर के क्षेत्रफल और जनसंख्या के आंकड़ों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो यहां तकरीबन 12,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगर इस शहर की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहां की पूरी अर्थव्यवस्था लगभग रिलीजियस टूरिज्म पर टिकी हुई है। यहाँ के 80% लोग टूरिज्म की वजह से ही अपना घर चला पाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग खेती भी करते हैं। यहाँ के मुख्य फसलों में चावल सब्जियाँ ही होती हैं। इसके अलावा यहाँ घी का प्रोडक्शन भी काफी मात्रा में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल पूजा पाठ हवन में सबसे ज्यादा होता है। जगन्नाथ मंदिर की एडमिनिस्ट्रेशन 6,000 लोगों को रोजगार देती है, जो सिर्फ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। साथ ही यहां दुनिया की सबसे बड़ी किचन भी मौजूद है, जहां 400 कुक्स अवेलेबल हैं, जो 1 लाख लोगों के लिए एक साथ खाना बनाते हैं। अगर यहां के कल्चर की बात करें तो यहां का मंदिर कलिंग साम्राज्य के समय के आर्किटेक्चरल डिजाइन पर बनाया गया है, जो लगभग 58 मीटर ऊंचा बताया जाता है। ये मंदिर जमीन से 20 फीट ऊपर लगभग 4,20,000 स्क्वायर फीट पर बनाया गया है। पुरी में हर साल 24 त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें से 13 यहां के मुख्य त्योहार माने जाते हैं, लेकिन जून जुलाई में होने वाला रथ यात्रा फेस्टिवल यहां का सबसे मुख्य फेस्टिवल माना जाता है, जिसको देखने दुनिया भर से लगभग 10 लाख लोग आते हैं। बाकी समय भगवान को मंदिर के अंदर ही पूजा जाता है, लेकिन जून जुलाई में इन्हें रथ के द्वारा वहां से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा टेंपल लाया जाता है। अगर यहां के आर्ट्स और क्राफ्ट्स की बात करें तो यहां पुरी में बीच पर बनाई जाने वाली सैंड आर्ट काफी पॉपुलर है। आपने रील्स में रेत से बनी सुंदर सुंदर आकृतियां या फिर मूर्तियां कई बार देखी होगी। वो ज्यादातर कलाकृतियां पुरी बीच पर ही बनाई जाती हैं। इस कला के जन्मदाता बलराम दास को माना जाता है, जो 14th सेंचुरी में इस जगह पर पैदा हुए थे। हर रोज यहां आर्टिस्ट अलग अलग भगवान और फेमस लोगों के स्कल्पचर्स बनाते हैं, जो हर रोज लहरों की वजह से फिर बिखर जाते हैं। इसके अलावा हर बार त्योहारों पर यहां उड़िया डांस और म्यूजिक शोज भी होते हैं, जो यहां की ट्रेडिशनल कल्चरल एक्टिविटी है। अगर बात यहां के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जाए तो यहां 1790 से पहले कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। लोग यहां पैदल आया जाया करते थे। अंग्रेजों द्वारा 1898 में यहां तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई, जो अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंडर ऑपरेट होती है। पुरी से आपको कोलकाता और विशाखापट्टनम के लिए सीधी ट्रेन मिल जाती है। साथ ही नेशनल हाईवे नंबर 203 इसे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से जोड़ती है। इस शहर में कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ओडिशा की सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए अप्रूवल मांगा है, जो शायद भविष्य में भगवान जगन्नाथ की यात्रा करने वाले लोगों का सफर आसान बना सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियोस और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।